पहले उंगली माथे पर रखो, यहां आज्ञा चक्र में मन को टिकाना, यहीं ओंकार का ध्यान करना, तीन उंगली ऐसे लगा देना, ये धारणा मन को टिकाना, ये धारणा यहां टिक जाना, ये ध्यान ओंकार में समाहित हो गई समाधि। पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और ऐसे ओंकार का ध्यान करेंगे यहां आज्ञा चक्र में। रोज दो मिनट का ध्यान कम से कम शुरुआत में करना, दो तीन मिनट से लेके पांच मिनट का ध्यान ऐसे सबको करना है। पहले नाद योग होगा, फिर उद्गीत ओंकार का ब्रह्म नाद होगा, फिर श्वासों पर ध्यान करेंगे। ये ध्यान की प्रक्रिया है, बहुत जबरदस्त है। कान बंद होंगे, मुख बंद होगा, ओंकार का नाद नासिका से होगा, तीन बार करेंगे भ्रामरी, तीन बार करेंगे उद्गीत। तीन पांच सात बार कर सकते हैं भ्रामरी। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे पूरी श्रद्धा समर्पण से, कंप्लीट साइलेंस, मन शांत, श्वासों पर ओम का ध्यान करते हैं। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान करते हैं। श्वास अंदर जाता है तब मन ही मन ओम का ध्यान, श्वास बाहर आता है तब भी मन ही मन ओम का ध्यान करे। वह ओंकार प्रभु जो सब ज्ञान का, सब सुख का, शांति का, जीव जगत का आधार है, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। तो हर श्वास के साथ ऐसे ओम का ध्यान करना, एक दो मिनट से शुरू करके धीरे धीरे पांच मिनट का कम से कम सब ध्यान करेंगे। दोनों हाथों पर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों के ऊर्जा को उष्मा कंजन आंखों पर करेंगे, आंखें खोलने। रोज ओम का ध्यान करना। इतना तो प्राणायाम, एक कोर्स पूरा हो गया। फिर किनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं। गर्मी ज्यादा लगती है तो शीतली प्राणायाम होता है, ऐसे भर के रोक के रखते थोड़ी देर, नाक से छोड़ देते हैं। फिर एक शीतकारी होता है, दांत ऐसे बंद, होठ खुले हुए, ये ठंडक के लिए। फिर बाएं नाक से धीरे धीरे साउंडलेस ब्रीदिंग लेते हैं,
अंदर भर के फिर दयनाक से छोड़ते हैं, इसको शीतली प्राणायाम कहते हैं, ये चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। तो शीतली शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम, ये जिनको उच्च रक्तचाप है, गर्मी लगती है शरीर में, हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको गुस्सा बहुत आता है। फिर सूर्यभेदी प्राणायाम होता है, दयनाक से लेना, अंदर रोक के रखना, बाएं से छोड़ना ऐसे, फिर बाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, दाएं से छोड़ना, अनुलोम विलोम में तो लेते छोड़ते, अंदर रोक के रख दिया तो ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हो जाता है, जो कि SLEMS ऑटोमन डिजीज के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर अंदर भर के अंदर रोक देना, से आधा मिनट से लेके एक मिनट तक, और अभ्यास करके दो मिनट तक रोक के रखना, यह अभ्यंतर प्राणायाम होता है, ये फेफड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर कान के रोगों के लिए होता है, ऐसे मुंह बंद कर लिया, नाक भी बंद कर लिया, एयर का प्रेशर कान तक जाएगा, इसमें होठ फूल जाते हैं, एयर का प्रेशर ईयर्स तक जाता है ऐसे, तो ये ऐसे एकदम कान खुल जाते हैं, ऐसे विशेष प्राणायाम होते हैं। अब आपको कुछ खास आसन, खास व्यायाम बताएंगे। सबसे पहले आज योगाभ्यास की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना, उसको ज्यादा बता रहे हैं। थ्योरी तो जो आप सुनते ही रहते हो, सुबह 5 से 7:30 बजे तक आस्था चैनल देखा करो, और फिर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, तो आप योग में पूरे निष्णात हो जाओगे। देखो, बच्चों को कम से कम 5 आसन जरूर करने चाहिए। पहले मैं कुछ योगासन बताऊंगा, फिर व्यायाम बताएंगे, आज आपको सिखा रहे हैं, जहां जगह है वो कर लेना, कोशिश कर लेना। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, पूरा ग्रोथ होना चाहिए बच्चों का, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास के लिए योग बहुत जरूरी है। तो बच्चों को 5 आसन बहुत जरूरी है, 5 मिनट लगेंगे, 1 आसन 1 मिनट, 5 आसन में कितनी देर लगेगी, 5 मिनट, और 5 मिनट में पूरा लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस वाले क्या बोलते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अच्छा, मर्या पछी कोई ना पैसा मर्या, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। झूठ बोले मेरे बेटा, जो योग करोगे तो आपको कोई रोग, होल लाइफ की गारंटी है, लाइफ इंश्योरेंस पाका एकदम। तो सांभलो, सर्वांगासन, ऐसे पैर उठाना, ये फिर पैर पीछे टिकाना, ये सब बच्चों को 1-1 मिनट करना है। जो सर्वांगासन करेंगे उनकी मेमोरी शार्प होगी, बाल नहीं जड़ेंगे, आई साइट अच्छी होगी, हाइट अच्छी होगी, और हर आसन से भी थायराइड, पैराथायराइड, पीसीडी, पीनियल ग्लैंड, पूरा बॉडी का सिस्टम अच्छा रहेगा। फिर चक्रासन बीच में उठा दिया, छोकरियों करी रही से सारू, आ छोकरियों तो करे से, छोकरा तुम्हें पण करी लो, नहीं तो छोकरियों आगल निकली जैसे। अभी सब जगह लड़के आगे निकल रही है। तो सुनो, ये 3 आसन हो गए, फिर ये चौथा आसन शीर्षासन, देखो ऐसे, चलो कर लो तुम साथ साथ करो, पद्मासन लगा लो जो कर सकते हैं। चलो सारू, हाँ कुछ नहीं तो पद्मासन भी लगा लिया, अच्छे बच्चे, एक बार बच्चों के लिए भी ताली बजा दो। तो सांभलो, उबताओ बेटा, तो 4 आसन थे गए ना, 5वां आसन जो आम, ये ताड़ासन सब कर सकते, खड़े हो जाओ, तो अच्छा है, बता करी लो, सांस अंदर भरो, ऐसा सभी कर सकते हैं, सब कर लो,
अच्छा पीछे वाले तो सब खड़े हो गए, ये वीआईपी बड़े खतरनाक है। करो सब ऐसे करो, ये बहुत सुंदर, फिर नीचे आ जाओ। थरी थी सांस भरी ने, एक ऊपर बे नीचे, दोनों हाथ सिर के ऊपर लाया करो बेटा, फिर से करो, एक अने बे नीचे, ऐसे पांच बार कर लेना, ठीक है? इससे बॉडी का एकदम बैलेंस अच्छा रहेगा। ऐसे दोनों हाथ साइड से नीचे, ये पांच आसन तो सबके लिए जरूरी है। अब छठा आसन मैं देखता हूं कितने कर पाएंगे, बच्चे तो कर लेंगे, ये बड़े वाले बच्चे थोड़ा धीरे धीरे करना है। दाहिने पैर में बाएं पैर को फंसाना, गरुड़ आसन करना है, दाहिने हाथ में बाएं हाथ को, सही हो? हाथी तो बता एक्टिंग करे से आम, अने नीचे थी घोटाड़ो करे से, बाएं पैर से करो, पैर फंसाओ पूरा, फिर हाथ में हाथ मिलाओ, ऐसे एक बहुत सरल आसन है, मन सबका शांत हो जाएगा। कैसे? दाहिने पैर को बाएं पैर से लगा दो और दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा दो, हलवानो नहीं, ઘણા બધા મેં આમ હલણ આવી ગયો, આમ હોય આમ ના છે, પછી ચડા રૂકો, પછી બે પેર છે કરો, થોડા એકાગ્રતા બઢેગી છે ને, મન શાંત હોગા, કન્સન્ટ્રેશન બઢેગા, इतना कर लेना। बच्चों के लिए सात आसन बता दिया, बाकी जो ज्यादा करना चाहे अलग बात है। अब एक्सरसाइज सिखाएं, फिर कुछ और आसन भी बताएंगे, ठीक है बेटा? इधर आ जाओ तुम, बेटू इधर आओ, थोड़ा बस तुम यही रहो, ठीक है? अब देखो, अब एक मैं एक्सरसाइज सिखा रहा हूं, है ना? तुम बड़े बड़े वाले पीछे हो जाओ थोड़े, इन बच्चों को आने दो, थोड़ा आओ बेटा, थोड़ा से इधर आओ, सब बच्चे करेंगे। हाँ, और आपको एक भजन सुनाए, बढ़िया सा भजन, भजन के साथ योग कराते हो? आजकल वो जिम में जाते ना तो धुड़ुम धुड़ुम बजता है, और पता ही नहीं क्या बज रहा है, लंबा लंबा श्वास, ये योगिक जोगिंग योगिक व्यायाम है, ये सब रोज कर लेना। कितनी देर लगेगी? पांच मिनट। कितनी बार लागसे? पांच मिनट में पूरा शरीर नु पूरु व्यायाम, लंबा लंबा श्वास। चलो, घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। लंबे लंबे श्वास, आ पहलू थयू, जे मोटा मोटा छे ना, जे मोटी उम्र वाला छे, जे जाड़ा छे, जाड़ी छे, ए धीमे धीमे करी लेजो, अरे जो जवान छे आम, लंबो लंबो श्वास, वर भारत माता की, घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना,
घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना बदलेंगे जमाना हम बदलेंगे जमाना बदलेंगे जमाना जी बदलेंगे जमाना घर घर ओ घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना सबको योग सिखाएंगे हम बदलेंगे जमाना પછી આમ જો અર્ધા બેસો આમ અને જે યુવાનો છે ને પૂરો બેસી જાઓ આમ અને ઘણા બધા તો એક્ટિંગ કરે આમ આ નહીં કરો એસે નિશ્ચય હમારા ધ્રુવ સા અટલ હે નિશ્ચય હમારા निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है काया की रग रग में निष्ठा का बल है काया की रग रग में निष्ठा का बल है जागृति हाँ जागृति शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना जागृति शंख बजाएंगे हम बदलेंगे जमाना बदली है हमने बदली है हमने अपनी दिशाएं बदली है हमने बदली है हमने बदली है हमने अपनी दिशाएं मंजिल नई तय करके दिखाएं मंजिल नई तय करके दिखाएं धरती को धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम बदलेंगे जमाना धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम बदलेंगे घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना घुटनों से लगा ओ श्रम से बनाएंगे माटी का सोना श्रम से बनाएंगे श्रम से बनाएंगे माटी का सोना जीवन बनेगा उपवन सलोना जीवन बनेगा उपवन सलोना मंगल मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना मंगल सुमन खिलाएंगे हम बदलेंगे जमाना घर घर अलख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना कैसे
लौकिक जोगिंग पण भाई जो किंबोला छे ना बहुत सारा छे बधाने खूब सरस कर्यो आ जोरदार ताळियो बधाने सबने बहुत अच्छा किया दूसरा भी करोगे चलो दोनों आशा में सूर्य नमस्कार करशो ना बता तो चलो दोनों सामने हाथ पीछे फिर आगे और अब दाएं पैर पर बैठ जाओ जमुना पोग ऊपर बैसो बैसो तो बोले बाबा जी बैसा तो नहीं तो दाएं पैर पीछे ले जाओ फिर आगे झुक जाओ फिर सामने से उठ जा फिर बीच से उठो फिर बाएं पैर आगे फिर दाहिना भी आगे फिर हाथ पीछे फिर सामने ये मेरे साथ वाले बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं एक बार इनके लिए ताली बजा दो अच्छे बच्चे ये सब किम के ही क्या बच्चे या आस पड़ोस के गांव के अड़ोस पड़ोस के गांव के बच्चे बहुत अच्छा करते सब रोज 10-20 मिनट रोज व्यायाम करी लो पची जीवन में कोई दिशे रोग नहीं आवे जहां होगा योग वहां नहीं होगा कोई रोग सूर्य नमस्कार फिर एक और जबरदस्त व्यायाम ये 10 बार कर लेना सूर्य नमस्कार कितनी बार करना कम से कम 10 बार करने में 2-3 मिनट लगते हैं ठीक है नेक्स्ट सब भुजाएं मजबूत बनाना चाहते हैं सब जंघाएं भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहले नीचे से मजबूत बनाएंगे फिर ये पूरा मजबूत बनाएंगे ठीक है चलो ऐसे बैठो और फिर दूसरा प्यास मैं जो नहीं कर दो बस के सांस अंदर आ एक दो हाथ ऐसे सीधे हाथ गए सीधे आएंगे एक दो एक बे घनी बड़ी बेनो हो ये तो मजबूत छे त्रीजा प्यास दोनों सामने धीमे धीमे नीचे जाओ धीमे 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 अर्धू तो बता करो करा करा खावी खावी ने अनाजनो नाश करी दिया सो पर पची नीचे आओ ऐसे आधा तो करो और ऐसे धीरे धीरे एक सांस में एक अभ्यास फिर इससे अगला थोड़ा एक छलांग लगाएंगे एक दो ऐसे ऐसे छलांग लगाई वापस आ गए ये इससे बहुत अच्छा इससे मजबूत हो जाती है जंघाएं नेक्स्ट देखो अब तीन बार करना है एक दो तीन चार वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर करी ने जुड़े तो एक दो तीन चार हम खूब मजा आवे से पची आ तो पास थया आ परंपरागत व्यायाम से पची आ छे ना पहले करियो ना ए बहुत सरस छे सारा माटे पैरों ने मजबूत करवा माटे पूरो बेसो तो आम बेसी था आमो बता कर बेटा तू तो सारू करे छे उबा पूरा उठो पूरा बैठो पूरा उठो ये ऐसे एकदम स्ट्रोंग बन जाते नक्स ऐसे और लास्ट दोनों हाथ ऐसे ये सब व्यायाम का नाम है हनुमान बैठक क्या नाम है बोलो बजरंग बली कितने बल के आदर्श है ना ऐसे आधा ऐसे और पूरा जाना हो तो पूरा ऐसे चलेगा है ना
अर्धू तो बता करी सके ना, आठलू तो, अने जे पूरू करी सकता हो तो पूरू करी ले, जेने वधारे आवडतू होय पछी आ करी लेजो। पछी चाली सको आवी रीते थयू मैं जुयू नहीं।